जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छः का इतिहास पाठ चार वैदिक काल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पाठ तीन पढ़े थे, नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। 1500, बहुत लोग अब इसमें कन्फ्यूजन होंगे कि 1500 के बाद 1600 आना चाहिए, 1700 आना चाहिए, 1800, परंतु पीछे की ओर कहे जा रहा है। तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो ईसा पूर्व होता है वो पीछे की ओर जाला, ईसा पूर्व जो है पीछे की ओर जाता है और ईस्वी ईस्वी आगे की तरफ जाला। जैसे कि इस समय 2023 चल रहा है तो ईस्वी में है, 23 के बाद 24 आएगा, 25 आएगा, परंतु यही ईसा पूर्व में रहता तो 2023 के बाद 2022 आता, 22 के बाद 21 आवत, फिर ओकरे बाद 20 आवत, मतलब ईसा पूर्व में ही हो गल। ईसा पूर्व ईस्वी कब से प्रारंभ हुआ है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का सन जो हुआ है, सन होता है उसको के ईस्वी में कह लें, उनके जन्म के पहले ईसा पूर्व में कह लें। विक्रम शताब्दी भी होता है इसके, ओकरे बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे, बताएंगे अच्छे से। जितना भी प्राचीन इतिहास देखेंगे उसमें उसमें ईसा पूर्व में ही मिलेगा, इस प्राचीन इतिहास से छ का, तो इसमें ईसा पूर्व ही मिलेगा अधिकांश करके। काशी की ईसा मसीह का जन्म तो बाद में हुआ था, तो इस प्राचीन इतिहास में हो गया, उनके जन्म के बाद का जो इतिहास है उसे ईस्वी में है। तो आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक पे। पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, याद रखिएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। प्रारंभिक आर्य क्या थे? इधर उधर घूमते रहते थे, कबीलों में रहते थे, और उनका पशु कौन कौन सा पालते थे? गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि, और उसी पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। उपजाऊ भूमि खोजत रहन, जहाँ उपजाऊ भूमि रहल वहाँ बस जा, कुछ दिन तक वहाँ रह, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे चले जाते जात रहन, हमेशा पलायन करत रहन। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गई लेन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आर्य सभ्यता का प्रारंभ प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है।
ये भी पूछता है, भारत में आर्यों का प्रसार कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसमें सप्त सैंधव प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आए, बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। यह देखिए समय रेखा है, यह समय रेखा है 3000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में यहाँ थे, वैदिक कालीन सभ्यता चालू हुआ था। फिर 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बसे होंगे 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर आगे जाकर 600 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का अंत माना जाता है। यह है आर्यों का भारत में विस्तार। सप्त सैंधव का मतलब सात नदियों का समूह। सात नदी सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती, ब्रह्मवत, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ब्रहर्षि, गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र, आर्यव्रत, 1+2+4 हिमालय से विंध्य चल पर्वत का क्षेत्र, दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र। आगे वेद है, वेदों समय आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है, तो कुछ वेदों के बारे में भी जानना जरूरी है। आगे वेद, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थना है। ऋग्वेद में क्या है, विभिन्न देवताओं को संबंधित प्रार्थना यानी पूजा है, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग है, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्राचीन प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद, सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर, सारे गामा पधानी वगैरह ये सब है का वर्णन है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियाँ का वर्णन है। आज जो यज्ञ वगैरह होता है वो सब देखिए यजुर्वेद से लिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ जो के नियम है, विधि विधान है, उसी के माध्यम से यज्ञ होता है। फिर अगर आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन है। ये देखिए गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे दिया है इस जो गायत्री मंत्र है इसमें क्या प्रार्थना है, हिंदी में उतो हो गया संस्कृत में। हे ईश्वर, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योति पूजा से हमारा उच्चारण उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। यह गायत्री मंत्र है। आगे वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो दो कालों में विभाजित किया है। ऋग्वैदिक काल, यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल, यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है।
आर्यों के जन्म। अब आर्यों के जीवन के बारे में जानेंगे, जन्म कैसे थे, आर्य कबीलों में रहते थे, इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। आर्य जौन है न, उस सब कबीला में रहते रहन, कबीला का नाम, हर एक कबीला का नाम वो कबीला के मुखिया के नाम पर होत रहल। इन कबीलों को जनक कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यजुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जनरक्षक कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है और उसे जनरक्षक भी कहा गया है। जनरक्षक भी कहा गया। आगे, एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे, कुल या गृह के मुखिया को कुलपति, कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, तब जन जनपद में परिवर्तन हो गया, जैसे आज हम लोग जनपद कहते हैं। हर एक किसी भी जिला को जनपद भी कहा जाता है। राजा, वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था, जैसे आज है, आज जिसे चुनाव होता है हर एक जन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से होता है। परंतु उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्व वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापार अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति नामक स्थाई थी, संस्था थी। आगे देखिए, इकाई प्रमुख जन एक आदमी, 20 कई आदमी को मिलाकर, ग्राम अधिक लोगों को मिलाकर, कुल या गृह, राजा, विस्पति, ग्रामीण, कुलप या गृहपति। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उसमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। राजन्य या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे, अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े एवं रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। ये है आर्यों का सभा। देखिए, यह है सभा, और कोई समस्या होता था तो इसी सभा में सुलझाया जाता था। ये जो सभा लौक रहा है ना, एक चित्र में दिया गया है, यह आर्यों का सभा है। इसमें 70-80 लोग रहते थे, जिसमें से 5-6 लोग मुख्य आसन पे बैठकर, मतलब वो लोग कुछ बड़े थे, जिसे राजन्य जिसे कहते हैं, वो रहते रहन
उ लोगन वहाँ सभा में समस्या को रखा जाला। ओकर बाद उ लोग मिलकर डिस्कस करलन कि किकर गलती हो, का प्रॉब्लम हो, ओकर सोल्यूशन करलन। आगे नीचे देखते हैं। सूझबूझ, अपने गांव की समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर गांव में कोई समस्या होगा तो उस समस्या का समाधान करेंगे, अगर हो पाएगा तो करेंगे, या फिर गांव के प्रधान को बुलाया जाएगा, अगर उनसे भी नहीं हुआ तो पुलिस आकर खुद ही समझा देता है आजकल तो। हमारे समाज में किन लोगों की सलाह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? समाज में ग्राम प्रधान हो गए, या फिर अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, या फिर 100 नंबर पुलिस वगैरह हो गया, तीन लोगों का की सलाह को अधिक महत्व आज दिया जाता है। राजा का शासन, आगे देखेंगे राजा का शासन। जन का खर्चा चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। जन का खर्चा चलाने के लिए उपहार ले ला राजा, जिसे आज टैक्स लिया जाला। टैक्स उस समय उपहारों के कहत रहन, उपहार के इस उपहार को बलि भी कहा जाला, कहा जाता है या कहलिन। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, घोड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। राजा उपहार के रूप में जो कुछ लिया, जैसे घी, वस्त्र, आभूषण, घोड़ा, गाय, वह ये सब लिया, अपने जरूरत के अनुसार रखा। राजकोष जब भर भर गया तो उसके बाद जो सामग्री बचा आम जन में बांट दिया, जे ओकर योग्य हो, जो एकदम गरीब हो, उन लोगों में बांट दिया, जिससे कि राजा और प्रजा के बीच रिश्ता मजबूत रहला। आज जैसे कि मोदी जी गेहूँ बांट लेन फ्री में, हर एक लोग मोदी जी का भवाई करता है, ऐसे ही अगर रिश्ता मजबूत रहता हो, ऐसे ही अगर बांट देगा कोई चीज़ किसी को, तो उससे एक दूसरे में रिश्ता मजबूत रहेगा ही। अब आगे युद्ध के बाद सभा, अगर कोई युद्ध हो गया उसके बाद भी एक सभा होती थी, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ा, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों में के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। सही बात है, अगर युद्ध में अगर जो भी चीज़ें प्राप्त हुआ है, युद्ध जीतने के बाद जो भी चीज़ें प्राप्त हुआ है, उसका मुख्य हिस्सा राजा अपने पास रखेगा राजकोष में, और उसके बाद जो भी बचा हुआ है आम लोगों में बांट देगा। अच्छी बात है। उसके बाद राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गाय, भेड़े, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सेना, दास दासियां, दासियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा थी, और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बने जाते थे। राजा को बलि देते हुए, देखिए ये जो लो ये है एक जन या एक आदमी है, ये राजा को बलि यानी उपहार दे रहा है। ये चित्र में है, यही है उपहार, ये राजा को दे रहा है। ये राजा है, चेयर पे बैठा हुआ। आगे धर्म एवं यज्ञ के बारे में दिया गया है। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में वस्तुपीठ करते थे, वस्तुपाठ।
बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावा के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजयी दिलाते थे। इन लोगों का मानना था, और ये लोग इंद्र भगवान को अधिक मानते थे। आगे यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वर सप्त स्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज, आगे अब हम लोग देखेंगे वैदिक कालीन समाज के बारे में। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करवाते थे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वैश्य कहलाए जाते थे जाने लगे। फिर बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी शामिल मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए थे। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गया। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के कार्य के आधार पर हो गया। परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। देखिए दोस्तों, अब वर्ण व्यवस्था कठोर हो लगल। कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर होने लगा। कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर होने लगा। पिता जो कार्य करता था, उसका पुत्र वही कार्य करेगा। इससे प्रॉब्लम का है, अगर पिता मान जाइए नाई है, बार बनाता है, उसका पुत्र बहुत योग्य है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, परंतु वंश के आधार पर काम मिलेगा, उसको बार ही बनाना होगा। हो सकता है कि उस पुत्र का मन बार बनाने में न लगे, और वो योग्य भी है, बार बनाने में मन न लगे और पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, कोई अच्छा भी कार्य कर सकता है, या फिर योग्य हो क्षत्रिय का कार्य कर सकता है। लेकिन तो अब वर व्यवस्था कठोर हो गया। अब रुचि के आधार पर कार्य नहीं करना है, वंश के आधार पर, ये गड़बड़ है। आज जैसे आज का वर व्यवस्था सही है, अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कुम्हार हैं तो आज बस पूरा मिट्टी के बर्तन ही बनाएंगे, या फिर आप एक किसान हैं तो बस खेती ही करेंगे। अगर आप योग्य हैं तो IAS PCS या कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर योग्यता होना चाहिए, जो योग्यता है उसके आधार पर कुछ भी बन सकते हैं, ये अच्छा चीज़ है। लेकिन अब यहाँ वर्ण व्यवस्था कठोर हो रहा है। आगे देखते हैं, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। अच्छी बात है, आज भी यही चीज़ है, प्रचलन यही चल रहा है। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त हुए हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे।
देखिए सिंधु सभ्यता के बाद की काल है, परंतु मिट्टी की मकान बना है। और हमने सिंधु सभ्यता में जो इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का मकान बना हुआ है था, दो मंजिला तीन मंजिला मकान थे, जो कि इससे बहुत पहले की सभ्यता है, तब पर भी इतना विकसित सभ्यता था। और इसमें मकान घास भूस के, आर्यों का मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ दही मक्खन घी का प्रयोग करते थे। अन्न में जौ गेहूं चावल का प्रयोग करते थे आर्य लोग। अब आगे देखते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को चार अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा आश्रम में जाकर आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। और तीसरी और चौथा व्यवस्था क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन करता था, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा, आर्य यह कहना कठिन है कि आर्य सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत जो थी, संस्कृत भाषा बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप ईरान व भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग से समानताओं पर आधारित था। बोलकर देखिए आर्य की भाषा। संस्कृत फारसी लैटिन अंग्रेजी। संस्कृत में पितृ कहते थे, फारसी में पीदर कहते हैं और लैटिन में पाटर कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं, हिंदी में पिता कहते हैं। और ऐसे ही संस्कृत में देखते हैं माता को क्या कहते हैं, माता को मातृ कहते हैं, फारसी में मादर कहते हैं, लैटिन भाषा में माता को मातर कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। आगे शिक्षा व्यवस्था। यह है आर्यों की शिक्षा व्यवस्था जो कि गुरुकुल में है, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित ज्यामिति ज्योतिष भूगोल सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे, उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। आगे गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था, आज भी माना जाता है। और इस समय भी इस सभ्यता में भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती रहती, इससे हम ये मालूम चलता है। गाय को एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु जब खरीदते थे, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। गाय एक पवित्र पशु था, आज भी है। वेदों में इसे अघन्या कहा जाता है गया है। अघन्या का मतलब होता है जिसका वध न किया जाता हो। पड़ियों आसपास के किसान द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य इन्हें दुष्ट कहा करते थे। देखिए गुरुकुल में सब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आगे खेती का महत्व भी हम लोग जानेंगे। खेती का महत्व बढ़ा।
जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काट कर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे। आगे शिल्प। आर पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस्क कहते थे। ऋग्वैदिक काल में उन्हें तांबा कासा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहे का ज्ञान कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व को माना कहते हैं 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। ज्यामिति आकृति से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल के से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। देखिए ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए आगे हम लोग देखेंगे। ये है ऋग्वैदिक काल, ये है उत्तर वैदिक काल। इसमें जीवन गतिशील थी। पहले ही हम बताएं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जाते रहते थे, पलायन करते रहे आर्य लोग। अब इसमें जीवन स्थायी हो गया। एमन ऋग्वैदिक काल में आर्य का पद वंशानुगत नहीं रहल। इनमें पद उलोगन का वंशानुगत नहीं रहल। चुनाव होत रहल, जन के माध्यम से चुना जाता था राजा को। और उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। ये तो गड़बड़ था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी इसमें। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। आगे देखते हैं महाकाव्य की रचना के बारे में। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुष उत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरव तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। आगे और भी जानिए। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
शब्दावली। अघन्या किसे कहते हैं जिसका वध न किया जाए जाए। द्वाब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र द्वाब कहलाता है। वंशानुगत, पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाला अधिकार वंशानुगत होता है, इसे वंशानुगत कहते हैं। आगे है अभ्यास, इसे कराने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।